शेखावाटी क्षेत्र में स्थित अरावली की वादियों में कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। लेकिन इन्हीं अरावली की वादियों में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल भी हैं जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये सतयुग काल के माने जाते हैं। जटिल पहाड़ी क्षेत्र में होने से इन जगहों पर स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे क्षेत्र के लोगों की पहुँच नहीं होती है, जिससे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होने से दूसरे क्षेत्र के लोग अनजान हो रहते हैं। ऐसे एक सतयुग काल के ऐतिहासिक स्थल से अवगत कराएंगे जहां पर रावण ने 84 शिवलिंगों से भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके चलते इस स्थल का नाम रावणेश्वर धाम है। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच शाकंभरी माता का मंदिर है जिसकी ख्याति देश विदेश में है। शाकंभरी माता के मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर सकराय गाँव है। सकराय गाँव में ही रावणेश्वर धाम मौजूद है जिसके सामने से पहाड़ों से बहती नदी निकलती है। कुछ समय पहले यहाँ जाने का सही रास्ता तक नहीं था, लेकिन अब यहाँ जाने के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। रावणेश्वर धाम में सतयुग काल के वर्तमान समय में भगवान शिव के 3 मंदिर हैं। ग्रंथों के अनुसार सतयुग काल में यहाँ रावण ने 84 शिवलिंगों के साथ भगवान शिव की वर्षों तक आराधना की थी। रावण के बाद उनकी 2 और पीढ़ियों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ स्थापित शिवलिंग विलुप्त होते गए। अब केवल 3 शिवलिंग यहाँ बचे हैं जहाँ लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक कुंड बना हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हमेशा नाग का निवास रहता है, लेकिन ये नाग किसी सिद्ध पुरुष को ही दर्शन देते हैं। कुंड को लेकर कहावत है कि पांडव जब अपनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए आए थे तो पवित्र जल धारा खोजने के लिए 2.5 फावड़े में यह कुंड खोदा गया था। रावणेश्वर धाम में भगवान शिव के 3 शिवलिंग अद्भुत हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे पत्थर हैं जिन पर दूसरा पत्थर मारने पर मंदिर में बजने वाली घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। यह भी एक चमत्कार से कम नहीं है।